आज इनका मार्केट में 12 बजे आ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे अपनी लाइफ में, मस्त भी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं कर रहा है तो करते रहिएगा एंजॉय और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। देखने के लिए मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, आज बता दें कि हम अभी सुबह का टाइम है, खाना बन चुका है, फिलहाल हम आटा गूंथ रहे हैं। ये देखिए, हस्बैंड अभी अपनी ड्यूटी पे हैं, आज उनकी नाइट ड्यूटी थी, तो हमने थोड़ा सा लेट खाना बनाना शुरू किया है क्योंकि सुबह में वो लेट से आने के लिए बोले थे, और अभी 11 बजे के आसपास वो आएंगे, बना ले रहे हैं। इसके बाद चलेंगे नहाएंगे, नहा करके तैयार होंगे। आज हम लोग जाएंगे मार्केट। फ्रेंड्स, फिलहाल आप देख सकते हैं मैं धूप में बैठी हुई हूँ और धीरे धीरे तैयार हो रही हूँ मार्केट के लिए। हस्बैंड अभी आए नहीं है, उनका वेट कर रही हूँ, वो आएंगे, उनको खाना दे दूँगी, खा लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। ये देखिए, मेरी फ्रेंड आ गई। हाय बोलो। नमस्ते मामा जी। सब्सक्राइब करने के लिए बोलो यार। देखिए, ये मेरी वो साई साई हो रही है, शर्म आ रही है। देखिए क्या बोल रही है ये मेरे व्लॉग में। प्लीज सब्सक्राइब माय माय चैनल, नहीं हर चैनल। ये है यहाँ इनके मामा जी, जिनको हम भी मामा जी बुलाते हैं। मामा जी बोलिए कुछ। हाँ जी। हेलो बोलो मामा जी। हेलो। चैनल सब्सक्राइब कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लिया। कर लिया नहीं, आप बोलो हिंदी में। बोलो क्या बोलना है? कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। माया बेटी के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लियो जी, कर लियो सब्सक्राइब। बहुत अच्छा। तो देख लिया फ्रेंड्स, हमने मामा जी से और अपनी फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट करवा दिया है, तो प्लीज मेरे चैनल पे आप लोग सपोर्ट कीजिए और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आगे आपको मिलते हैं हम हस्बैंड के आने के बाद। थोड़ा हम तैयार हो लें और थोड़े से काम पड़े हैं, बर्तन धुलने हैं तो हम उसको भी धुल लेते हैं। कपड़े तो यहाँ पे देखिए धुल के डाल दिए। तो फ्रेंड्स, मुझे चाय मिल चुकी है, फ्रेंड ने ला करके दिया। मैं चाय बनाती नहीं हूँ जल्दी क्योंकि हस्बैंड नहीं रहते हैं तो मुझे अकेले बनाने का मन नहीं करता है। सुबह रहते हैं तो बना लेती हूँ। तो फिलहाल मैं चाय पी रही हूँ और उनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। हस्बैंड आ चुके हैं, उनको नहाना है और उसके बाद फिर हम तो तैयार होने को रेडी होना है। अभी पानी रखा हुआ है और बाहर कोई और भी उधर आया हुआ था, तो इसके लिए हम अंदर आ गए हैं, किचन में है ऐसा। और पानी गर्म हो रहा है, ये देखिए भगोने में गैस चढ़ाया हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारे हस्बैंड आ चुके हैं और वो गए हैं नहाने के लिए। पानी गर्म हो गया था, मैंने दे दिया, वो नहा करके अभी आ रहे हैं। और मैं बना रही हूँ फिलहाल रोटी गर्मा गर्म, दाल चावल सब्जी हो गया था, तो फिलहाल रोटी बना लेती हूँ ताकि उनको गर्मा गर्म रोटी खिला सकूँ। और उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। फिलहाल तो हम रोटी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये क्या बोलते हैं इसको, चौका छोटा सा है तो लकड़ी वाला है। खट 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 की आवाज़ बहुत ज़्यादा इसमें आती है, तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे आवाज़ से, बट क्या करूँ, मजबूरी है बाहर रहने पे। जैसे तैसे बस जो सामान जैसे है काम चलाने के लिए ले लिया जाता है, रहते हुए दूसरा भी तो नहीं ले सकते हैं। पिछली टाइम आए थे तो इसको खरीदे थे, जल्दी जल्दी मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया क्योंकि रात का समय हो गया था और सामान भी मिल नहीं रहा था उस समय, तो मैंने इसको ले लिया था। आवाज़ इसमें होती है थोड़ी थोड़ी, मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं, थोड़ा सपोर्ट किया करिए। भगवान दिखा
तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं बाहर और स्टार्ट हो गई बाइक। अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। देखिए मेरे हस्बैंड कुछ बोले यार, आज इनका मार्केट में 12 बजा दें। 12 नहीं बजाएंगे, 12 बज चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे मार्केट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है यहाँ का सब्जी मार्केट, जगराव मार्केट है ये। यहाँ पे फल सब्जियाँ सब कुछ मार्केट लगा रहता है क्या। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है पंजाब शहर के जगराव का थाना चौकी। ये गेट के पास शायद यहाँ के वॉचमैन है। हम लोग पुल के ऊपर पहुँच चुके हैं और पुल पे से ही होकर के मार्केट जाना रहता है। नीचे से ज़्यादा ट्रैफिक रहती है इसलिए हम लोग पुल से होते हुए चलते हैं ज़्यादातर। फिलहाल हमको चाहिए था एक स्टॉल पतला वाला, इसके लिए हम एक मार्केट में रुके हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये हैं अंकल जी यहाँ के, और ले रहे हैं हम स्टॉल। ब्लैक कलर का चाहिए था हमको, यहाँ पे लगा हुआ था जाते समय रास्ते में दिख गया तो हम सोचे कि एक ले लेते हैं। फिलहाल उनको रेट नहीं पता है तो वो अपने यहाँ के जो मालिक है उनसे कॉल करके पूछने वाले हैं और उसके बाद हम स्टॉल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और दूसरा मुझे यही चाहिए, दूसरा कुछ क्या देखूँ मैं। तो फ्रेंड्स इनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है इनके मालिक से, हम लोग लौटते टाइम यहाँ से लेंगे और आपको घर पे दिखाएंगे स्टॉल लेने के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लंगर लगा हुआ है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो इनकी नज़र पड़ गई और इन्होंने एकाएक बाइक रोक दी और ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे ले आए लंगर खाने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे। मैं खा रही हूँ और ये खा चुके हैं और उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया रिकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा इसको मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। तो देखिए आप हम भी लगे पड़े हैं। मार्केट में यहाँ पे देखिए हाँ। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और हस्बैंड को हो रहा है लेट, तो देखिए ये भागे भागे जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। इधर देखो बाय, दवा खा लिए, रुको रुको बंद कर रही हूँ। तो दोस्तों इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसलिए जो सामान लेने गए थे वो मिला नहीं ढंग का और हम लोग वो नहीं ले पाए हैं। बाकी ये सामान लिया और हो रहा है लेट तो ये जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि फिलहाल हम क्या क्या लिए हैं। हम लोग आ चुके हैं मार्केट और आपको दिखा देते हैं हमने फिलहाल क्या क्या लिया है। ये है पिकल्स मिक्स वाले, ये लिया और बर्तन साफ करने के लिए जो कि यहाँ पे था लेकिन ख़त्म हो चला था। ये दो चॉकलेट ली है और ये क्या है, ये चॉको केक है और एक और लिया है यह पेस्ट्री। मैंने ये डायमंड का केक है ये लिया, मुझे ये बहुत पसंद आता है सॉफ्ट सॉफ्ट खाने के लिए तो इसके लिए मैंने ये ले लिया। चॉकलेट मैंने यहाँ बच्चों के लिए लिया है, एक मैं भी खा लूँगी, मुझे भी पसंद है चॉकलेट। और ये सब सामान मैं रख देती हूँ। हाँ मैं तो बताना भूल ही गई, ये देखिए यह है स्टॉल। मुझे हल्का एक स्टॉल चाहिए था क्योंकि मेरे पास तो हल्का स्टॉल जो था घर पे छूट गया, यहाँ पे था नहीं तो मैंने इसको ले लिया। कैसा लग रहा है बताइएगा, ये कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा हल्का है और ब्लैक रहता तो किसी भी चीज़ पे चल जाता तो इसके लिए मैंने इसको ले लिया क्योंकि इसके पहले मैंने जो लिया था ये वूलन है, हैवी है, अभी आने वाली है गर्मी थोड़ी तो मैंने इसको ले लिया। और टॉप्स पे वैसे भी अच्छे नहीं लगते तो अभी देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है चलिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा आज का और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।